<coughs> मूद मंगलमय सं समाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवी अंग्रेजी महीना के अनुसार आज एक जनवरी नए साल की शुरुआत मानते हैं लोग और जिस प्रकार से लोग मानते हैं उसी प्रकार से आप सबको सन समाज की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अभी हम भजन सुन रहे थे तो लाख हिफाजत कर ले चहलाक करे रखवाली उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली ये नियम है जो आते हैं जाने के लिए ही आते हैं बाइबिल में एक वाक्य आता है वन जनरेशन कम्स एंड एन अदर गोज फार अवे बट द अर्थ इज फॉर एवर एक पीढ़ी आती है दूसरी चली जाती है लेकिन दुनिया ये धरती सदा बनी रह जाती है दुनिया का विनाश नहीं होता रूप बदलता है जो मूल तत्व है उन मूल तत्वों का विनाश नहीं होता रूपांतरण होता है बस उसी रूपांतरण में निर्माण और विनाश होते रहते हैं उसी निर्माण और विनाश में जीवन का निर्वाह लेना होता है और सेवा होती है आज जो हम देख रहे हैं ये ऐसा नहीं रहेगा एक दिन इस आश्रम की रूपरेखा ऐसी नहीं थी जहां हम बैठे थे दो कोठरियां बनी हुई थी और एक छोटा सा बरामदा था एक खुरी जमीन थी अब हमारे बगल में बाई साइड में नया भवन बन गया आश्रम का उसके सामने नया भोजनालय बन गया और पुराने जो कमरे थे वे टूट गए एक दिन ऐसा आएगा न हम और आप रहेंगे और न ही यह आश्रम इस रूप में रह जाएगा बदल जाएगा सब कुछ बदलता है सब कुछ बदलता रहा है आज से सत्तर अस्सी साल पहले बहुत दिन की बात नहीं है आज से सत्तर अस्सी साल पहले इस मोरा गांव का आदमी जो मर कर चला गया है यदि वो आ जाए ना तो कहे नहीं नहीं यो ये वो मोरा नहीं है जहाँ मैं रहता था ये ये ये, ये कोई दूसरा मोरा है तुम लोग मुझे मुझे गलत जगह ले आया हो कहेगा कि नहीं कहेगा गलियां बदल गई मकान बदल गए सब कुछ तो बदल गया लेकिन इस बदलाव को जानने वाला जो जीव है वो नहीं बदला है धरती नहीं बदली है मोरा गांव के मकान बदले गलियां बदली क्या मोरा गांव की जमीन भी बदल गई जमीन तो जो कहते है तो जो सत्य होता है वो सत्य नहीं बदलता सत्य एक रस होता है जो बदले वो झूठ होता है और जो न बदले वो सच होता है जो बनता और बिगड़ता है जन्मता और मरता है वो झूठ होता है लेकिन व्यवहार उसी में होता है जो न जन्मता है और न मरता है जो न बनता है और न बिगड़ता है व्यवहार उसमें नहीं होता है और व्यवहार को जानने वाला होता है बनने और बिगड़ने वाली जो चीजें हैं व्यवहार उसी में है तो करना क्या है जो चीजें हमें मिली है जो प्राणी पदार्थ हमें मिले हैं उन चीजों का अच्छा से अच्छा उपयोग और प्राणियों के साथ सुंदर से सुंदर प्रेम और सेवा का व्यवहार जो पदार्थ मिले हुए हैं हमको उनका कैसे क्या उपयोग करना है इसका निर्णय पदार्थ नहीं करेगा निर्णय हमें और आपको करना होगा इसलिए किसी भी चीज का दुरुपयोग न करें और किसी मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार न करें यदि चीजों का दुरुपयोग करेंगे मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो जीवन में कभी आप सुख से जी नहीं सकोगे भीतर अशांत अशांत पीड़ा होगी और यदि पदार्थ जो मिले हैं उनका सदुपयोग करते हैं प्राणियों के साथ सुंदर प्रेम सेवा समता का व्यवहार करते हैं तो हम सुखी रहेंगे और हमारे साथ में रहने वाले लोग भी सुखी रहेंगे दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो मिलने की सार्थकता क्या है मिलने की सार्थकता है मिल करके दोनों के मन में प्रसन्नता का अनुभव होना जब मिले दो व्यक्ति मिलने के पश्चात बिछोड़ेंगे जरूर बिछोड़ते समय मन में पश्चाताप ना हो कहां, कहां इसे मिलने आ गया या क्यों ये मेरे घर आ गए यदि मिलने के बिछोड़ने के पश्चात पश्चाताप होता है तो कहीं ना कहीं व्यवहार में गड़बड़ी हुई बातचीत में गड़बड़ी हुई है ऐसी नौबत आएगी लेकिन इसी में संभालना है अपने आप को व्यवहार आदमी के साथ जीवन भर बना रहता है जीवन भर बना रहता है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता लेकिन प्रेम का व्यवहार है या बैर का व्यवहार है ये देखना होगा इस समझना होगा मनुष्यों के साथ प्रेम का और सेवा का व्यवहार जानबूझकर के करके अपनी ओर से किसी को भी तन मन बचन से कष्ट ना पहुंचाना किंतु तन मन बचन से सेवा का प्रेम का व्यवहार करना यही मानो भगवान की पूजा करना है असली भगवान आपको देखना है ते प्राणियों में दिखाई पड़ेगा सदर कबीर ने कहा है खुले नयन हसहत पहचानो सुंदर रूप निहारो आंख न मूंदो कान न रूंधो काया कष्ट न धारो खुले नयन हसह पहचानो सुंदर रूप निहारो सब घट मेरा साइया सुनी से जो मंदिर आप जाते हो मंदिर में किसी महापुरुष की मूर्ति है उस मूर्ति को देखने से उस महापुरुष की याद आती है उसके जीवन के त्याग तप साधना उनके उज्जवल चरित्र उज्जवल कर्म उनके सद्गुण इन सब की याद आती है और याद आने से मन में प्रसन्नता होती है सात्विक भावना आती है और उन महापुरुष के त्याग तप जब याद आती है तो कुछ ना कुछ उनके वैसे ऐसे बनने की भावना मन में होती है तो वहां मूर्ति है वहाँ भगवान नहीं है भगवान तो सामने बैठे हैं इधर प्राणियों गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर स्वर भूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठती ए अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है ईश्वर को खोजना है भगवान को खोजना है तो प्राणियों में खोजना पड़ेगा इसका मतलब यह होता है किसी भी प्राणी को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है किसी के साथ दुर्व्यवहार करना ईश्वर के साथ दुर्व्यवहार करना है और आप जानते हैं ईश्वर की पूजा की जाती है आराधना की जाती है और प्राणियों साथ दुर्व्यवहार करके ईश्वर साथ तो पूजा तो नहीं हो रही है दुर्व्यवहार हो, हो रहा है मंदिर में जाकर के पूजा करना बहुत सरल है क्योंकि तो मंदिर का भगवान आपके विरोध में कुछ नहीं कहेगा इसलिए मंदिर में पूजा करना बहुत सरल होता है असली पूजा घर में होती है और वहां कठिनाई पड़ती है असली देवी देवता आपके घर में आपके परिवार में निवास करते हैं फिर प्राणी माता तो है ही लेकिन शुरुआत अपने घर से करना होगा और बहुत सरल है लेकिन स्वार्थ और अहंकार के कारण से ये घर में पूजा करना कठिन हो जाता है और जो आदमी अपने घर को मंदिर नहीं मान सकता और परिवार के लोगों के साथ सुंदर प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकता उसकी मंदिर की पूजा कभी सफल होने वाली नहीं है सुबह उठिए और उठ करके बिस्तर पर बैठ जाइए दो चार मिनट के लिए और ये सोचिए कि मेरा घर देव मंदिर है और घर में रहने वाले जितने नर नारी हैं पुरुष जो भी हो समझे कि ये देवी देवता है पूजा क्या है उनकी जो माता पिता हैं दादा दादी है, हैं मतलब बड़े बुजुर्ग हैं उम्र में पद में मर्यादा में जो बड़े हैं उनका आदर उनका सम्मान उनकी उचित आवश्यक सेवा उनकी उचित आज्ञा का पालन जो रिश्ते में बराबर है पति पत्नी है भाई भाई है ननद भावज है देवरान ठान है रिश्ते में उम्र में लगभग जो बराबर है उनके साथ प्रेम का सेवा का समता का व्यवहार मिल करके कर रखना और जो तो छोटे बच्चे हैं उनके साथ करुणा का स्नेह का वात्सल्य का व्यवहार उनकी उचित देख ये बस इनकी पूजा है फिर आपका घर देव मंदिर बन जाएगा और सचमुच में घर देव मंदिर है जब तक घर मंदिर नहीं बनेगा तब तक बाहर का मंदिर आपका कल्याण नहीं करने वाला है एक काम करें आप जो आदमी चाहता है सुख शांति से जीना चाहता है प्रसन्नता से जीना चाहता है एक काम करें सुबह उठें और उठकर बिस्तर पर बैठ करके घर में जितने भी लोग हैं माता है पिता है पति है पत्नी है सास है बहू है भाई है बेट, बेटा है जो जो भी हो जिनकी जिनकी याद आए उनकी उनकी अच्छाइयों को देखते जाओ उसमें यह अच्छाई है उसमें यह अच्छाई है उसमें ये अच्छाई है उसमें ये गुण है उसमें ये गुण है उसमें ये गुण है बराबर उनके गुणों को याद करते जाओ उनके अच्छाइयों को याद करते जाओ देखते चले जाओ रोज एक काम करो जब रोज किसी का अच्छाई किसी के सदगुण की बराबर याद करते जाएंगे तो धीरे धीरे करते करते आपका मन उस व्यक्ति के लिए कोमल बंदा चला जाएगा जब मन कोमल बनेगा तो उस व्यक्ति के लिए आपकी वाणी कोमल निकलेगी मीठी वाणी निकलेगी प्रेम की वाणी निकलेगी क्योंकि मन कोमल है उसका छाय देख रहे हैं और जब वाणी कोमल हो जाएगी तब आपका व्यवहार कोमल हो जाएगा उसके साथ आपका जो व्यवहार है एकदम प्रेम पूर्ण हो जाएगा सेवा सेवा का व्यवहार हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि मेरा घर तो स्वर्ग बन गया है मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं ना धोखा है इस धोखे में मत रहना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा जीती जी स्वर्ग स्वर्ग में देवी देवता निवास करते हैं तो अपने घर के लोगों देवी देवता क्यों नहीं मान लेते हैं बहुत सहज है स्वार्थ और अहंकार पर थोड़ा संयम करना पड़ेगा बस करना कुछ नहीं करने पड़ा वही घर होगा वही चीज होगी वही कपड़े लगते होंगे भाई सब कुछ होगा बस दृष्टि बदलने की आवश्यकता है गुण दृष्टि हो और प्रेम दृष्टि हो देखिए, दृष्टियां तीन प्रकार की होती है दृष्टि मतलब देखने का ढंग दे हम देखते तो हम सब हैं लेकिन किस ढंग से देखते हैं क्या देखते हैं एक होती है दोष दृष्टि एक होती है गुण दृष्टि और एक होती है प्रेम दृष्टि दोष दृष्टि में केवल बुराई 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 दिखाई पड़ती है आदमी की मनोवृत्ति कैसे बन गई है जैसे मक्खियां मक्खियां दो प्रकार की होती है एक तो मक्खी है जो यहां बैठती रहती उड़ती रहती है एक होती है मधुमक्खी जो ऐसे मक्खियां होती है वो जहां ज्यादा वहां बैठती है जहां गंदगी होती है और उड़ उड़ करके हर वस्तु को गंदी करती रहती है बीमारी फैलाती है आदमी की वृत्ति ये मक्खी समान हो गई है वही बढ़ती जहां गंदगी होती है उसमें ये बुराई उसमें ये बुराई उसमें ये बुराई उसमें अपना बीमार और दूसरे को बीमार क्यों कला होता है घर में क्यों विवाद होता है लड़ाई क्यों होती है खाली बुराई देखने के कारण अच्छा देखना शुरू करो कभी लड़ाई नहीं होगी जितनी बुराई देखते रहोगे जितनी कमी देखते रहोगे उतना मन कटु बनेगा वाणी कटु होगी व्यवहार कटु होगा घर ही नरक बन जाएगा आपका घर है उस घर में आपको जीवन भर रहना है और घर को बना रहे हो नरक बेटे की बुराई देख रहे हो पिता की बुराई देख रहे हो पति की बुराई देख रहे हो पत्नी की बुराई देख रहे हो इसकी बुराई देख रहे हो बुराई देखो क्या होगा परिणाम घर नरक बनेगा और घर के लोग लगेंगे एक तो और राक्षस दैत्य है नरक देखना चाहते बनाना चाहते हो तो बहुत सरल रास्ता है लेकिन इसको थोड़ा सा बदल लो गुण दृष्टि करो मधुमक्खी की वृत्ति बनाओ देखना एक बताया ना कि एक मक्खी होती है जहां गंदगी होती है वहां बैठती है गंदगी फैलाती है बीमारी फैलाती है और मधुमक्खी गंदगी में कभी नहीं बैठेगी हमेशा फूलों पर बैठती है पर आग लेती है और शहद बनाती है और शहद कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है तो जिनकी दृष्टि गुण दृष्टि है वो मधुमक्खी के समान होता है आदमी और वो शहद बनाता है उसका, उसका मन प्रसन्न शरीर प्रसन्न व्यवहार प्रसन्न सब कुछ बढ़िया हो जाएगा गुण देखते जाओ गुण देखते जाओगे मैंने कहा था जितना गुण देखोगे लगेगा मेरे घर में जो तो देवी देवता रहते हैं और मेरा घर तो स्वर्ग है इससे आगे होती है प्रेम दृष्टि प्रेम दृष्टि में केवल अच्छाई दिखाई पड़ती है बुराई दिखाई नहीं पड़ती कहते हैं एक युवक और एक युवती दोनों की शादी हुई शादी के बाद पहली रात को जब दोनों का मिलन हुआ तो दोनों ने यह तय किया कि दोनों अपने पास एक एक डायरी रखेंगे और डायरी में सामने वाले की गलती लिखें पति पत्नी गलतियां लिखता रहेगा कि क्या क्या गलतियां हुई और पत्नी पति ये गलतियां लिखती रहेगी क्या क्या गलती की है और साल भर के बार देखेंगे कि किसने हमने क्या क्या गलती की फिर साथ रहने लगे साल बीता शादी की पहली वर्ष गांठ आई तो लोग उत्साह मनाए मेहमान चले गए तो डायरी के अदली बदले किए तो पति पत्नी ने अपनी डायरी पति दे दी पति ने अपनी डायरी पत्नी दे दी पति देखता है उसकी पत्नी रोज लिखा है आ तुमने ये गलती की, आ तुमने ये गलती पूरी डायरी पूरा पन्ना भरा रहता था तुमने तो आज ऐसी कटू बात कही तुमने ऐसा कहा वैसा कहा पूरी डायरी भरी हुई थी गलतियों से पति पढ़ता भी रहा मुस्कुराता भी रहा सब कुछ कहा पत्नी भी पति डायरी पलट रही थी देखा कि हर पन्ना खाली कुछ लिखा ही नहीं है पलटता रहा पड़ती पल, रही डायरी पलटती रही पलटती रही पलटती रही तो देखती पति ने अंतिम में लिखा था अंतिम पन्ने में कि प्रिय मेरी छोटी बड़ी अनेक गलतियों को नजरअंदाज करके तुमने मेरा जो साथ दिया मुझे प्रेम दिया इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं पति ने लिखा था अपनी डायरी में कि प्रिय साल भर तक मेरी छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज करके तुमने मेरे साथ जो सुंदर व्यवहार किया मुझे अपना प्रेम दिया सहयोग किया इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूं रही बात तुम्हारी गलतियों को लिखने की तो मेरे मन में तुम्हारे लिए इतना प्रेम है कि मुझे तुम्हारी कोई गलती दिखाई ही नहीं पड़ी आप ऐसा करते पाते हो हम ऐसा कर पाते हर आदमी मुझे आपको सबको सोचना है घर के लोगों के लिए प्रेम नहीं है तो बाहर प्रेम कहां हो पाएगा घर के लोगों से सुंदर व्यवहार नहीं कर पाते तो बाहर क्या परख पाएंगे मैंने कहा था कि जब तक आपका घर मंदिर नहीं बनेगा और घर के सदस्य देवी देवता नहीं बनेंगे दुनिया का बाहर का एक भी भगवान अब कल्याण नहीं करता पाएगा चाहे लाख भगवान बना डालो पूछते रह जाओ तैंतीस करोड़ नहीं और कितने देवताओं को घर के लोगों को दुश्मन बना कर रखे हो तैंतीस नहीं तैंतीस सौ करोड़ देवता आपका बेरा पार नहीं करेगा और यदि मन में सुंदर विचार है मन की भावनाएं सुंदर है घर के लोगों के साथ प्रेम का सेवा का समता का एकता का व्यवहार है तो आपको किसी बाहर किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है मानते हो आपकी मर्जी है मानो मन हमारा मन ही शैतान बनता है हमारा मन ही भगवान बनता है मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा ना कोई एक गीत है ना सिनेमा का सिनेमा का गीत भले है लेकिन पूरा भजन है तो मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई कौन बड़ा है मन से और ये कहा गया मन उजियारा जब जब फैले जब उजियारा होए इस उजले प्राणी मैल न जमने पाए तो मन दर्पण कहलाए ये मन रूपी दर्पण यदि मैल है तो बाहर का दर्पण आप देखते रह जाओ कुछ होने वाला है नहीं मन की भावनाएं कैसी है भावनाएं शुद्ध है तो हर हर जगह देवी देवता मिले हुए हैं लोगों के साथ लड़ झगड़ कर चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों लोगों के साथ लड़ झगड़ करके पूजा करने के लिए मंदिर जाओगे का मंदिर भगवान समझ नहीं रहा है कि आदमी लड़ कर आया है वो खुद कैसे हो जाएगा एक बार जरा याद रखो सर सोचो आपके घर में कोई आदमी आया और आते ही आपके बेटे ने बेटे को चार चाटा लगा दिया कान को ऐड दिया उसे गाली दे दिया उसे और को धक्का दे दिया उसकी चीज को छीन लिया और आपके पास जा करके आपके पांच होता है आपको माला पहनाता है और आपको मिठाई खिलाता है मिठाई देता है आप खुश हो पाओगे कभी खुश नहीं होगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस आदमी ने मेरे बेटे को चांटा लगाया है इसे कांड को रैट दिया है ये धक्का दे दिया इसकी चीज को छिल लिया है अब मुझे मिठाई करा समझोगे आदमी दिखावा भर कर रहा लेकिन वो आदमी बड़े प्रेम से आपके बेटे को उठा लिया गोद में बैठा लिया पुचकारता है आपके बेटे को मिठाई खिलाता है कुछ और करता है और आप पास जाकर चुपचाप बैठ जाता है तो आप खुद हो जाओ भले आदमी मेरे पास आकर बैठा लेकिन इसने मेरे बेटे को प्रेम को प्यार दिया है इतना आप जानते हो कि यदि कोई भी आदमी आपके बेटे के साथ दुर्व्यवहार करता है और आपका सम्मान करता माला पहनाता है आप खुश नहीं हो तो भगवान कैसे खुश हो जाएगा ये पूरी दुनिया मान लो भगवान की शायद भगवान की संतान है इनसे दुर्व्यवहार कर रहे हो भगवान की पूजा कर रहे हो आपसे क्या बीता है भगवान आपका गंभीरता जरा सोचो तो कहते हैं ना भाई कि भैया सबका मालिक एक है सब भगवान ही सबका पिता है इसका तो मतलब जितने प्राणी हैं जितने मनुष्य हैं सब भगवान के बेटे इनसे लड़ाई कर रहे हो इनसे झगड़ा कर रहे हो इनसे मारपीट कर रहे हो इनसे गाली दे रहे हो और भगवान को जाकर माला पहना रहे हो कहां तक तो खुश हो जाएगा भगवान आपका भगवान को खुश करना है तो भगवान की संतान जो मनुष्य है और मनुष्य के अलावा अन्य जो लोग प्राणी हैं उनके साथ सुंदर व्यवहार किसी को जानबूझ करके धोखा मत दो बात बहुत साधारण लेकिन यही असली पूजा है और जो ये पूजा नहीं कर सकता ना उसकी कोई पूजा सफल होने वाली नहीं है पूजा करते करते उम्र बीत गई मन का दुख खत्म हुआ तनाव खत्म हुआ चिंता खत्म हुई ईर्षा करना घृणा करना खत्म हुआ पूजा तो कर रहे हो क्या बदल रहा है जरा देखो तो हम सब कुछ चाहे हम लोग ऊपर बैठे हों वो आप नीचे बैठे हूं वो सबको सोचना है कि क्या बदला मकान शुरू मैंने कहा था मकान बदल गए गांव की गलियां बदल गई यहां तक आदमी के कपड़े बदल गए खाने पीने का ढंग बदल गया और मन बदला या नहीं बदला वही ईर्षा वही द्वेष वही लड़ाई झड़ भिड़ाई वही करता वही कठोरता बाहर के बदलने से काम नहीं बनेगा काम बनेगा भीतर के बदलने से ये मैंने कल कहा था शाम के समय ये भीतर का जो बदलाव है स्वभाव का बदलाव भावनाओं का बदलाव अपने कर्म और आचरण का बदलाव यही भजन करना है किसी नाम का जप करना किसी मंत्र का जप करना यह भजन नहीं है ये शुरुआत है बैठ करके प्रपंच कर रहे थे उससे अच्छा यह हुआ कि भाई बैठ करके नाम जप रहे हैं माला फेर रहे हैं मंत्र पढ़ रहे हैं प्रपंच करने की अपेक्षा स खेलने का अपेक्षा गाली देने का अपेक्षा नाम जपना माला फेरना मंदिर पूजा करना अच्छा है लेकिन इससे जीवन में बदलाव नहीं आएगा इससे मन का क्लेश दूर नहीं होगा चिंता दूर नहीं होगी उसके लिए आपको अपनी स्वभाव को बदलना होगा आदमी की पहचान उसके स्वभाव से होती है स्वभाव के नाते कर्म और आचरण के नाते आदमी छोटा और बड़ा होता जन्म लेकर के जो बच्चा भी आया है वो तो निर्दोष है अभी उसमें कोई स्वभाव नहीं है कोई कर्म और आचरण नहीं है आगे चलकर वो क्या बनेगा कुछ कहा नहीं जा सकता जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा दुनिया को देखता जाएगा समझता जाएगा संस्कार ग्रहण करता जाएगा सीखता जाएगा वैसे वैसे तो जीवन का निर्माण होता चला जाएगा तो स्वभाव के नाते आदमी की पहचान होती है स्वभाव गलत है कर्म आचरण गलत है तो दुश्मनों की कोई कमी नहीं है स्वभाव अच्छा है कर्म आचरण अच्छे हैं, मित्रों की कोई कमी नहीं है एक उदाहरण आता है एक गांव गांव के बाहर एक बूढ़ा बाबा एक पेड़ नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे एक युवक रास्ता चलते चलते वहां आया और बूढ़े बाबा से पूछा बाबा मैं इस गांव में घर बना करके रहना चाहता हूं लेकिन ये बताइए इस गांव के लोग कैसे लोग हैं इस गांव के लोग कैसे लोग हैं तो बूढ़े बाबा ने कहा बेटा पहले ये बताओ जिस गांव में अब तक तुम रहते थे जिस गांव को छोड़ करके आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं तो युवक ने कहा बाबा मत पूछो वो गांव के लोग बहुत दुष्ट है बहुत दुष्ट है बहुत लड़ाकू है गांव के लोगों ने मेरा जीवन हराम कर दिया इसलिए मैं गांव छोड़कर आया हूं उस गांव की याद आते ही मेरा मन एकदम क्रोध से भर जाता है अब तो मैं जिंदगी में उस गांव में कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां बहुत दुष्ट लोग रहते हैं उस बूढ़े बाबा ने कहा बेटा उस गाँव में जो तो तुम लोग तुम इतने दिन तक रह लिए ये गाँव के लोग तो और महादुष्ट हैं मैं बचपन से जानता हूँ ये गाँव वाले को ये महादुष्ट है तुम तो यहाँ साल भर भी नहीं रह पाओगे दूसरे गाँव तुम चले जाओ युवक चला गया आधा घंटा के पश्चात उसी रास्ते फिर एक युवक आ गया उसने भी कहा बूढ़े बाबा से बाबा मैं इस गांव में निवास करना चाहता हूँ घर बनाकर रहना चाहता हूँ ये गाँव के लोग कैसे लोग हैं बाबा ने उसे प्रश्न पूछा कि जहां से तुम आ रहे हो वहां के लोग कैसे हैं तो उस युवक ने कहा बाबा मत पूछो वहां के लोग इतने सज्जन हैं इतने अच्छे लोग हैं कि क्या कहना मेरा दुर्भाग्य कुछ ऐसे मेरे कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि गांव मुझे छोड़ना पड़ा किन अभी भी मेरा मन वही है उसी गांव में है अब परिस्थिति ने साथ दिया मैं उसी गांव में फिर जाना चाहूंगा वहां के लोग तो एकदम सज्जन है एकदम देवता समान वहां के लोग हैं महाराज उस गांव की याद आती है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता बाबा तो बूढ़े बाबा ने कहा बेटा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं इस गांव के लोग उससे अधिक सज्जन होंगे तुम्हें शिकायत नहीं होगी प्रश्न एक है बूढ़े बाबा ने कहा कहा एक युवक से इस गांव के लोग बहुत दुष्ट है दूसरे ने कहा ये गांव के लोग बड़े सज्जन देवता समान है क्यों ऐसा कहा पहले युवक क्या कहता है जिस गांव से मैं आ रहा हूं वहां के लोग बहुत दुष्ट है तो गांव में दो चालक खराब हो सकते हैं पूरे पूरे गांव खराब गांव के लोग खराब तो नहीं होंगे ना और युवक का तो पूरे गांव के लोग खराब है तो मतलब उस युवक का स्वभाव ही खराब था उस युवक का व्यवहार ही खराब था उसको उसे कुछ कर्म ऐसे थे उसे गांव भर के लोग उसके विरोधी हो गए गांव भर के लोग कभी भी कोई गांव चले जाओ दो चार छह लोग खराब हो सकते हैं ज्यादातर तो लोग तो अच्छे ही होते हैं दूसरे युवक कहता है बाबा उस गांव में तो बड़े सज्जन लोग देवता लोग रहते हैं तो गांव में सभी लोग अच्छे नहीं होते कुछ न कुछ खराब होते ही है जिसका स्वभाव जैसा होगा उसको वैसा दिखाई पड़ेगा इस स्वभाव का जो परिवर्तन है कर्म और आतम का जो परिवर्तन है यही भजन है और यही असली पूजा है मन को नहीं बदल पाए स्वभाव को नहीं बदल पाए कर्म आत्म को नहीं बदल पाए तो कौन सी पूजा हो रही है किस भगवान को मार रहे हो धोखा में मत रहना धोखे में जिंदगी बीतती चली जा रही है अब क्या मानते हो नहीं मानते हो उसे मुझे लेना देना नहीं है और आपका आपका मन आपकी मर्जी चाहे जिस भगवान को मानो लेकिन भगवान मानने का अर्थ क्या होता है मैं चर्चा इस पर कर रहा हूं भगवान मानने का अर्थ होता है कि मन का कोमल और विनम्र बन जाना लोग कहते हैं भैया भगवान तो कन कण में बसता है कोई ऐसी जगह नहीं दुनिया में जहां भगवान न हो भगवान तो कन कण में बसा हुआ है और भगवान सब कुछ को जानता है भगवान से कुछ छिपा नहीं है आदमी छिपा सकते भगवान से नहीं छिपा सकते विश्वास है इस पर आपको जबान से तो कह रहे हो विश्वास है भी मानते हैं भी दुनिया में कुछ ही लोग हो सकते हैं मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं बाकी सब जबान से कह रहे हैं जिस आदमी को विश्वास हो जाएगा कि भगवान कन कन में है और भगवान सब कुछ को जानता है वो आदमी कभी भी कहीं भी गलत काम नहीं करता तो क्योंकि जहां गलत काम कर रहे हो वहां भगवान है भगवान जान रहा है और गलत काम का फल भगवान दुखी देगा भलत गलत काम कर पाओगे तो जबान से देना भगवान कण कण कर में है सर्व सब कुछ जानता है ये जबान का ज्ञान काम नहीं आने वाला है यदि ऐसा विश्वास तो करो पहले पूरा जीवन ही बदल जाएगा पूरा जीवन बदल जाएगा फिर तो कहीं दुख रहेगा ही नहीं क्योंकि जहां तुम गलत काम कर रहे हो वहां भगवान है वहां देख रहा है और भगवान का मतलब क्या है न्याय जैसा का न्याय न्याय क्या कहता है जैसा काम करोगे वैसा फल दे देगा जैसा कर्म करेगा जैसा फल देगा भगवान यह गीता का ज्ञान सुनते हो, सुने हो गए ना तो जैसा काम करोगे वैसा फल भगवान देगा भगवान तो जान रहा है तुमने छिपाकर गलत काम किया है क्योंकि आदमी छिपा भगवान से नहीं छिपाओगे तो जबान से कह देना कि हम भगवान भगवान तो कन कण में है सब कुछ जानता है मैंने कहा था लाख में एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी जीवन सुधर जाएगा और ऐसा करना ही भगवान के का भजन करना है ये मान लेना भगवान का भजन कर लेना है इसीलिए मैंने कहा था गीता को उदाहरण दिया था कि अर्जुन कहते कृष्ण कहते हैं अर्जुन ईश्वर स्वर भूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठ थी ईश्वर तो प्राणी प्राणी हृदय में पता कबीर साहब यही बात करें रहे हैं सब घट मेरा साइया सोनी से जन को जो बात गीता में कही जा रही है कि ईश्वर सभी के हृदय में बैठा हुआ है वही बात कबीर कह रहे हैं सब घट मेरा साइया चाहे हृदय में कहो चाहे घट में कहो बात वही शब्द तरीके हैं। कबीर का भगवान मंदिरों में नहीं है मस्जिद में में नहीं है आकाश पताल में नहीं है कबीर के भगवान प्राणियों दिल में बैठे इसलिए जितने बैठे हैं मानो भगवान भगवती प्राणी मात्र उनके साथ सुंदर व्यवहार प्रेम का सेवा का और मैंने कहा था बाहर नहीं कर सकते तो शुरुआत अपने घर से तो करिए घर का मंदिर नहीं बना पा रहे हो घर को तो महाभारत का मैदान बना कर रखे हो कुरुक्षेत्र मैदान बना हुआ है पति पत्नी लड़ रहे हो साथ बहु लड़ रहे हैं भाई भाई लड़ रहे हैं पिता पुत्र लड़ रहे हैं गुरु भाई गुरु भाई, गुर भाई लड़ रहे हैं कौन सी पूजा हो रही है तो भजन है जीवन का कर्म का स्वभाव का आचरण एक तो एक चीज और याद रखे सुख से जीना चाहते हैं प्रसन्नता से जीना चाहते हैं भजन करके कल्याण का काम करना चाहते है याद रखना यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है और गलत व्यवहार छोड़ता नहीं है तो आप उस व्यक्ति के साथ छोड़ दीजिए भले लेकिन उस व्यक्ति के लिए कभी भी गलत बात मत सोचना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे व्यवहार करके शांति से जीवन नहीं जिया जा सकता उलझन आ जाएगी इस इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हटना पड़ेगा हटने में कुशलता है लेकिन हट करके भी ये सोचो उस व्यक्ति का भला हो उसका मंगल हो उसका कल्याण हो कभी भी उस व्यक्ति के लिए मन में गलत भावना मत लाओ क्योंकि तो गलत भावना लाओगे तो आपका मन गलत होगा संस्कार गलत होगा और आपका जीवन दुख से भर जाएगा क्योंकि उसका व्यवहार गलत है वो सुधरने को तैयार ही नहीं है मनमानी करना चाहता है बराबर तो साथ में रहकर तो उलझन आएगी आएगी ना आप सुखी रहोगे ना वो सुखी रहेगा इसलिए उनसे दूर हट जाना है हट जाओ और दूर हट करके जो आप काम कर सकते हो धर्म का परमार्थ का खेती किसानी का वो काम करो लेकिन उस व्यक्ति के लिए मन में बैर की गांठ मत बांधना क्योंकि या घृणा की या ईर्षा की गांठ मत बांधना यदि मन में घृणा और ईर्षा बैर की गांठ बनी हुई है उसका नुकसान उसका हो गया नहीं होगा नुकसान तो आपका हो ही जाएगा हमारा हो जाएगा मेरे मन में ईर्षा किसी के लिए तो मेरा नुकसान हो जाएगा उसका नुकसान थोड़े हो जाएगा ये मन की जो गांठ है ईर्षा की गांठ की गांठ ब्रोह की गांठ कड़ुता की गांठ गलत सोचने की गांठ इस गांठ को खोल देना यही भजन करना है यही भगवान की भक्ति करना है यही भगवान की पूजा करना है फिर जैसी पूजा करते हो आप करो नाम दपो माला फेरो मंदिर जा कर के आरती करो जो करते हो करो लेकिन ये असली पूजा जब तक नहीं होगी ना तब तक जीवन में बदलाव नहीं होगा अब ये पूजा हर मत पंथ के लिए आवश्यक है अरे कोई बात नहीं वो भी सत्संग सुनने के लिए आ रहा होगा भाई तो करना क्या है जीवन तो मिला है और आजकल में जीवन समाप्त तो हो जाएगा उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली पिंजरा खाली होने के पहले क्या करना है ये सोचा है पिंजरा तो खाली होना ही होना है किसी के शरीर छूटता है तो लोग कहते हैं अरे कैसे हो गया भैया अब तक कैसे, कैसे क्यों नहीं हुआ था ये सोचो कबीर साहब क्या कहते हैं दस द्वारे का पिंजरा तामे पंची पौन रहबे को अचरा जाहे जात असंभव कौन एक पिंजरा है जिसमें दस दर दरवाजे लगे हुए हैं उसमें एक पक्षी बैठा हुआ है लेकिन पक्षी पिंजरा से होकर के उड़ता नहीं उसी में बैठा रहता साहब कहते हैं आश्चर्य तो पक्षी के बैठे रहने में ही उड़ने में क्या आश्चर्य है दरवाजा एक नहीं दरवाजा दस दरवाजा दस दरवाजे सभी दरवाजे खुले फिर भी पक्षी बैठा रहा है उड़ता ही नहीं है आश्चर्य यह है उड़ने में आश्चर्य नहीं है और दस दरवाजे का दस दरवाजे का पिंजरा हमारा ही शरीर है पक्षी इसमें बैठा है कब तक बैठा है दस साल बीस साल पच्चीस साल पचास साल सत्तर अस्सी नब्बे सौ सौ साल तक बैठा रह जाता कितना आश्चर्य है उन्द्र आश्चर्य क्या है कबीर साहब जहां भी कहते हैं वहां दस दरवाजे की बात कहते हैं पूरी कबीर वाणी में दस दरवाजे की बात आती है गीता में नौ दरवाजा है नौ द्वारे पूरे देही ये वेद का मंत्र है वेद में भी कहा गया है दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ वेद है उसमें कहा गया है नौ द्वारे पूरे देवानामपुर देवान पुरी चक्रा देव देवताओं की अद्यापुरी अष्टाचक्र नौ द्वारे अट्टा चक्र नौ द्वार देवान तस्याम तस्म हिरण्य कोशो स्वर्ग ज्योतिषो आवृता ये वेद का मंत्र है अठ्टा चक्र आठ चक्र माने गए हैं शरीर में से लेकर के शस्त्र कमल तक और नौ द्वार वेद के हिसाब से ये कबीर साहब वाणी नहीं है ये वेद की वाणी है इसी कहते हैं आठ चक्र और नौ द्वारों वाली देवताओं की अयोध्या पूरी ये शरीर है शरीर को ही कहा गया है अयोध्या नगरी है ये जिसमें, जिसमें जीव रूपी आत्मा का जीव रूपी जो देवता है जीव रूपी जो भगवान है जीव रूपी जो राम है उसका निवास हो रहा है तो सब हिरण्य कोश स्वर्ग ज्योतिष आवृत्त हिरण्य कोश है सोने का खजाना है इसमें स्वर्ग ज्योतिषाव रीता और से इसमें जो ज्योति है आत्मज्योति ढकी हुई है उसको उद्घाटन करना है ऋषि ये नहीं कहते आप अयोध्या जाते हो राम दर्शन करने के जाओ लेकिन वेद के ऋषि ये कहते हैं तुम्हारा ये शरीर ही देवताओं के अयोध्या नगरी है तो बात मैं ये कह रहा था चदुर कबीर कहते हैं दस द्वारे पिंजरा ऋषि कहते हैं नौ द्वारे उपदी ऋषि कहते हैं पूर्व एकादश पूर्व एकादश अजय सा वग्रा अवचेत सा ग्यारह दरवाजा एक सब कहने तरीके हैं दस दरवाजा कौन दो आँख दो नाक दो कान छह मुख नौ और पेशाब इंद्रिय गुदा गुदाद्वार नौ हो गए दसवा यहाँ मूल में दो आंख दो नाक दो कान मुख सात और फिर पेशाब इंद्रिय और द्वार नौ और एक मूल में यहाँ पर जवान थे दसवा गीता गीता में उपषद में जो कहा गया है ग्यारह दरवाजा तो ना भी ये सब कहने तरीके हैं कुल मिलाकर बात इतनी ही है जो मंदिर है भगवान का जो अयोध्या नगरी है वही शरीर ही है इसलिए शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है अयोध्या में भगवान रहते हैं आप मानते हैं तो शरीर के भीतर ही बैठा हुआ ही जीव भी भगवान ना उसका ज्ञान है या नहीं है कबीर साहब का जो राम है वह राम घट घट में बसा हुआ है घट घट में जी के रूप में बसा हुआ है मैंने मूल बात शुरू यह की थी कि ये पिंजला एक दिन तो खाली हो जाएगा होगा सबका होगा सबका होगा कुछ सदा रहने के लिए यहां आया नहीं है कबीर साहब ने कहा है आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर एक चढ़ चले एक बना जंगे राजा हो रंग हो फकीर हो इस दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है सबको जाना है सदा रहने के लिए कोई आया नहीं है कोई रहेगा भी नहीं लेकिन जाने जाने में फर्क है फर्क क्या है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिंहासन पर बैठ करके जाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जंजीरों से बांध करके जिन्हें ले जाया जाता है पहली बात आप ये समझें प्रकृति के जो नियम होते हैं वो नियम सबके लिए बराबर होते हैं उस नियम में कोई पक्षपात नहीं होता इसलिए राजा को भी जाना है रंग को भी जाना है और जो फकीर हैं साधु महात्मा हैं उनको भी जाना है शरीर किसी का अमर हो नहीं सकता है मिट्टी पानी आग हवा इन से सब से सबका शरीर बना हुआ है और एक दिन ये शरीर इन्हीं मिट्टी पानी आग हवा में मिल जाएगा लेकिन शरीर के मिलने के पहले शरीर छूटने के पहले क्या करना है जंजीर बनाना है या सिंहासन बनाना है हर आदमी अपने लिए या तो जंजीर बनाने का काम कर रहा है या सिंहासन बनाने का काम कर रहा है सोचिए जरा अब तक जो जीवन व्यतीत हुआ है जो जीवन हम लोगों ने जी लिया है ये बीते हुए जीवन में अपने लिए जंजीर बनाया है या सिंहासन बनाया है जीवन की जो शैली है जीने का जो ढंग है जैसा आप कर्म कर रहे हैं जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं सोचिए आपके कर्म आपका व्यवहार जीने का ढंग सिंहासन बना रहा है या जंजीर बना रहा है दूसरा कोई नहीं बताएगा बताएगा आपका मन आपको स्वयं ही देखना होगा कि क्या बना रहे हैं आप सुबह से शाम तक काम करते हैं आप थोड़ी देर चुप सुबह से शाम तक आप काम करते हो काम करने के बाद रात्रि में जब बिस्तर पर गए मन में चिंता है मन में टेंशन है मन में किसी बात को लेकर भय है उसे मन में किसी के लिए ईर्षा है उद्विग्न है मन अशांत है मन तो समझ लेना कि आज मैंने अपने लिए जंजीर बनाने का काम किया है दिन भर काम करने के पश्चात रात्रि में जब सोने के लिए गए उसे मन में कोई चिंता नहीं कोई भय नहीं है कोई टेंशन नहीं है मन एकदम शांत प्रसन्न है तो समझना कि आज मैंने अपने लिए सिंहासन बनाने का काम किया है ये रोज रोज का जो हम काम करते हैं ना लोगों व्यवहार करते हैं सिंहासन जंजिर ऐसे बा, बाहर से कोई भगवान नहीं आएगा जंदीर लेकर के या सिंहासन लेकर के आपको कहानियों में आप भले पढ़ लो कि अमुक आदमी तपस्या कर रहा था तो अमुक ऐसा कर रहा था तो तपस्या सफल हो गई भगवान खुश हो गया उसके लिए सिंहासन बना लेकर के आया अपने सिहासा में बैठा कर अपने धाम में ले गया या अमुक आदमी बहुत दुष्ट था पापी था जब मरा तो यमराज के दूत आए मोटे मोटे जंजीर लेकर के उसे बांध कर ले घसी के लिए कहानी है आकाश में कोई भगवान नहीं बैठा है और कोई शैतान नहीं बैठा कोई यमराज नहीं बैठा है हमारा पवित्र मन हमारा शुद्ध मन हमारे लिए भगवान हमारा गंदा मन हमारा अशुद्ध मन हमारे लिए शैतान गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आदमी स्वयं अपना मित्र है स्वयं तो अपना शत्रु है आदमी स्वयं अपना उद्धार करता है और स्वयं अपने आप को बंधनों में बांध लेता है इसे अलग से कोई बांधने वाला छुड़ाने वाला नहीं है कबीर साहब तो बात कहते ही हैं घूम घुमा करके आप गीता पढ़ोगे तो ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी न काह ही कोई सुख दाता निज किज कर्म भोग सुन भ्राता ये मानस चौपाया पढ़ी नहीं पढ़ी है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जत् तत्तराखा ये मानस सफायदा अपने पड़ी होगी ये तो छत्तीसगढ़ है यह मानस रामचरित मानस को पढ़ा जाता है प्रतियोगिता होती ही गांव गांव में हमायण प्रतियोगिता राम ने प्रतियोगिता नहीं की थी भरत ने प्रतियोगिता नहीं की थी राम ने जीवन जिया था भरत ने जीवन जिया था लक्ष्मण सीता ने जीवन जिया था प्रतियोगिता उन्होंने नहीं की थी प्रतियोगिता में हार जीत की भावना होती है सेवा में हारना जीतना कुछ नहीं होता तो यहां प्रतियोगिता हो रही है पढ़ रहे हैं कर्म प्रधान रची राखा जो जत कर ना कहा दुख दाता अब प्रतियोगिता हो रही है मैंने सुना है इस छत्तीसगढ़ में किसी तो मैं आज तक प्रतियोगिता किसी तो रामायण प्रतियोग में गया नहीं हूं ये सुना है आदमी कितना बिगड़े कितना बिगड़ा रामायण मानस एक धार्मिक ग्रंथ है राम का उसमें गुणानुवाद है पिता के लिए पिता पुत्र पति कैसा व्यवहार होना चाहिए भाई भाव कैसा व्यवहार होना चाहिए पति पत्नी कैसा व्यवहार होना चाहिए मित्र मित्र का व्यवहार कैसे होना चाहिए एक सुंदर सीख मिली है उसमें सुंदर शिक्षा दी गई है आदत गृहस्थी कैसे होनी चाहिए एक सीख दी गई है प्रेरणा लेने के लिए लेकिन दुर्भाग्य मैं कह रहा हूं मैं सुना है प्रतियोगिता होती है एक एक बोतल चढ़ा कर तब बैठते हैं मंच पर कर अपना जीवन नरक बना रहे हैं अरे रमान पढ़ना छोड़ दो लेकिन शराब पीना छोड़ दो छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया छत्तीसगढ़ शराब पिया में सब ले बढ़िया छत्तीसगढ़िया जुआ खेलने में सबले बढ़िया है ना ये बढ़िया पाना काम नहीं आएगा भाई तो कर्म प्रधान भी स्वरचित राखा जब आप शराब पी करके रामायण पढ़ने बैठ रहे हो भगवान को पता नहीं है वो खुश हो जाएगा आपसे कितना भटक गया आदमी कितना भटक कितना भटक गया है भगवान की भक्ति है या भगवान के साथ दुश्मनी है एक बार गंभीरता से बिचारी है आपकी शराब पीने की आदत है नहीं छोड़ पाते कोई बात नहीं आप जानो लेकिन जब तक आप शराब पिए हो तब तक तो रामायण न पढ़ो जब तक आप शराब पिए हो तब तक तो गीता मत पढ़ो एक सज्जन एक बच्ची मिली थी बच्ची क्या बड़ी हो गई है उसका पिता एक भागवत कथा कहने वाले के पास आर्गन बजाता है तो एक बार वो गया था एक जगह दूसरे कथाकार के लिए भागवत की कथा हो रही थी उसमें उसको तो बुलाया गया था आगन बजाने के लिए तो जो तो पंडित जी थे भागवत कथा कहने वाले शराब पीकर कथा कहने बैठे हद हो गया हद ये यहां की बात नहीं की बात नहीं है भिन्न प्रदेश की बात है अरे भाई कम से कम तुम शराब पीते हो अकेले अपने बिस्तर पर पी लो अपने कमरे में पी कर को शराब पी करके भागवत कथा कहने बैठ रहे हो ये भगवान साहब दुश्मनी है कि भगवान की भक्ति है जो पंडित जी शराब पीकर भागवत की कथा करने ले, तो उनको चाहिए कि अपने श्रोताओं के बोतल पिला दो भाई सब बढ़िया हो जाएगा कितना बदल गया है एक और भगवान की भक्ति एक और भगवान साहब दुश्मनी ये शराब पीने वाले भगवान के पक्के दुश्मन हैं चाहे कितने मंदिर में पूजा कर लो कोई भगवान खुद होने वाला नहीं है इतना तो कर सकते हो ना लेकिन बड़े बड़े धार्मिक कहलाने वाले यहां तो बड़े बड़े सत्संगी कहलाने वाले लोग भी कहते साहब हम लोग कबीर हैं है और हम लोग बड़े कबीर हैं अब बेटा शराब पी रहा है कभी रहा मतलब क्या है कभी रहा कभी नहीं रहा है यह कैरपंथी कहाना का काम नहीं आ है शराब पीने वाला व्यक्ति कभी भी कैरपंथी नहीं होता कभी अनुयायी नहीं, नहीं हो सकता है न तो राम का अनुयायी ना भगवान भगवान धार्मिक हो ही नहीं सकता है अजब तमाशा है अजब तमाशा है। शिक्षा बढ़ती गई पैसा बढ़ती गई आदमी की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई एक सज्जन मिले थे आदमी कितना भ्रष्ट है कितना भटक गया है एक सज्जन मिले थे बता रहे थे कि दफ्तर में काम करते हो लेकिन बड़े सदाचारी बड़े संयमी न बीड़ी पीते न पान खाते न गुटखा न तंबाकू न शराब न अंडा न मांस न मछली कुछ नहीं पक्के सदाचारी और शाकाहारी सादा जीवन जीने वाले उनके साथ ही लोग कोई गुटखा खाता है कोई पान खाता है कोई तमाऊ खाता है कोई बीड़ी पीता है कोई सिगरेट पीता है कोई शराब पीता है कोई अंडा मांस खाता है वो लोग कुछ नहीं कहते तो साथी लोग कहते हैं अरे कमा कमा करके क्या करोगे खाने खा, खाओगे तो नहीं तो किसके लिए कमा रहे हो हैं मतलब इसी के लिए कमाना है कि शराब आदि पीने के लिए बात यह है जितने प्रकार के दुर्व्यसन है दुर्व्यसन करने वाले चाहे वो पंडित हो चाहे साधु हो चाहे महात्मा हो चाहे भगत हो चाहे पुजारी हो ये भगवान के पक्के दुश्मन हैं ये लोग भगवान की भक्ति समझ नहीं सकते इसीलिए तो दुखी हैं आप समझ लो यदि शराब पी रहे हो मांस मछली खा रहे हो गुटका तमाकू खा रहे हो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो जंजीर बनाने का काम कर रहे हो या आप अपने लिए यमराज खुद बन गए हैं आपको किसी और यमराज की आवश्यकता नहीं है वो यमराज सोचेगा आदमी खुद यमराज बन गए मैं, मैं, बन गया है मुझसे बड़े यमराज है आप मेरी जरूरत क्या है वहां जाने के लिए अपने लिए यमराज न बने अपने लिए भगवान बने जितने प्रकार के दुर्व्यसन हैं उनका त्याग और अच्छे कर्म ऐसे कर्म करना है जिस कर्म को करने के पश्चात हमारे मन में ही पश्चाताप और प्रसन्नता हो और साथियों को भी प्रसन्नता हो चीजें तो आती जाती है पैसा कभी घटता है कभी बढ़ता है चीज़ें कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है कभी अकाल पड़ जाता है कभी बढ़िया फसल हो जाती है कभी फसल होकर भी नष्ट हो जाती है साहब आप लोग छत्तीसगढ़ में तो फसल हुई बरस गया पानी बरस गया बहुत नुकसान हो गया आप लोगों का यह सब होता रहेगा लेकिन आपको जीवन भर खाने को मिलेगा विश्वास रखो फिजुल खर्ची मत करो दुर्बसन मत करो खाने पीने की पहनने ओढ़ने की कमी आपको जीवन में कभी नहीं होगी लेकिन इसके बाद करना क्या है पेट भर खा लेना है कपड़े पहन लेना मकान में रहना इसके बाद करना क्या है अपने लिए भगवान बना बनने का काम करना है या शैतान बनाने का काम करना साहब जो कहते हैं आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर ये पिंजरा तो सबका खाली होना है राजा हो रंग हो फकीर हो सिंहासन बनाने का काम या जंजीर बनाने का काम आदमी स्वयं करता है अपने व्यवहार से अपने आचरण से इसलिए मैंने शुरू में कहा था और आप बदल सको या मत बदल सको अपने स्वभाव को बदल लें अपने कर्म आचरण और व्यवहार को बदल लें फिर आप अपने लिए भगवान बन गए फिर जो कुछ करोगे वो सिंहासन बनेगा जिसका स्वभाव बढ़िया जिसका कर्म बढ़िया जिसका आचरण बढ़िया जिसका व्यवहार बढ़िया उसके लिए तो हर सिंहासन 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 ही बन रहा है ना और यही है जीवन जीने की सुंदर कला यही है भगवान का भजन करना यही है धर्म भक्ति का काम करना यहां रहते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है सबका कोई कोई मजदूरी करता है कोई खेती करता है कोई नौकरी करता है कोई व्यापार करता है कोई कुछ और करता है वो तेरे वो अलग अलग जीवन निर्वाह के लिए है लेकिन मन की शांत, मन की प्रसन्नता मन का आनंद जीवन का कल्याण ये तो सबके लिए आवश्यक है इसके लिए केवल स्वभाव कर्म आचरण व्यवहार का परिवर्तन और ये हमें करना होगा मेरे मन को दूसरा नहीं बदल सकता मेरा मकान टूट गया दूसरा कोई बना देगा मेरे कपड़े फट गए दूसरा कोई सी देगा मेरी दुकान बिगाड़ दूसरा कोई बना देगा लेकिन मेरा मन को ना कोई बिगाड़ सकता है ना कोई बना सकता है हर आदमी अपने मन का मालिक स्वयं है इसलिए निवेदन यही है जो कुछ भी आप कर रहे हो जिसकी भी भक्ति पूजा पाठ करते हो आपकी मर्जी है करो जरूर लेकिन ये करते करते समझ लो कि मुझे एक सोच लो कि मुझे अपने मन को बढ़िया बना कर रखना है स्वभाव बढ़िया बना कर रखना है जीवन सफल हो जाएगा और आपका भगवान आप पर खुद होकर के आपका सिंहासन हृदय में तैयार रहेगा जितने सिंहासन तैयार किया वो आदमी धन्य हो गया मानव जीवन पाना उसका सफल हो गया आज सन 2022 का पहला दिन एक जनवरी लोग नया साल कहते हैं इस नए साल के उपलक्ष्य में हमारे उसे शुभकामनाएं हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं आज के बाद अपने जीवन को ऐसा जिए कि आपकी जो जंजीर है वो जंज यदि बन चुकी पहले वो जंजीर कटती चली जाए और आपके सिंहासन बंद चला जाए और जब जीवन जाने का अवसर हो तब पूरे पूरे हंसते हंसते सिंहासन बैठ करके दुनिया से विदा हो इन्हीं कामनाओं के साथ इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए बी रहा की जय